बड़ी खबर, परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह का यह बयान आया है, परिवहन विभाग में लागू होगा गुजरात मॉडल। सीएम मोहन यादव ने दिया है आदेश, उदय प्रताप चेक पोस्ट को डिजिटाइजेशन किया जाएगा। उदय प्रताप चेक पोस्ट पर अवैध वसूली को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है और गुजरात की तर्ज पर अब डिजिटल चेक पोस्ट ऑटोमेटिव किए जाएंगे। चेक पोस्ट पर शिकायतों के चलते विभाग की पहल ये हुई है, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये प्रक्रिया लागू होगी। तो चेक पोस्ट पर शिकायतों के चलते ये पहल की गई है, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये प्रक्रिया लागू होगी। परिवहन मंत्री ने जानकारी दी है, परिवहन विभाग में लागू होगा गुजरात मॉडल। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसमें भी हम लोग बेहतर सिस्टम कैसे डेवलप हो, वो जो थोड़ी विसंगतियां हैं, लोगों को जिन चीजों से परेशानी होती है वो बेहतर कैसे कर पाए, इसलिए लगातार हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, खुद भी स्टडी कर रहे हैं उस चीजों को। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार परिवहन विभाग को मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग लगातार इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि और बेहतर कैसे इस डिपार्टमेंट को किया जाए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। अमृतांशी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अब गुजरात मॉडल की तर्ज पर काम होगा, किस तरीके से इसको अमल में लाया जाएगा, अब इसके काम करने का तरीका कैसे पहले से बदल जाएगा? बिल्कुल, देखिए गुजरात में जो परिवहन विभाग है वो ज़्यादातर अपना जो काम करता है वो डिजिटलाइजेशन के थ्रू करता है, यानी कि तमाम जो काम होते हैं, चाहे लाइसेंस बनाने के हो, चेक पोस्ट पर जो पैसे अवैध वसूली की बात आती है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है रोक इन सब चीज़ों पर लगी है। अब मध्य प्रदेश में भी गुजरात मॉडल लागू करने की बात यहाँ पर परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप ने की है और जल्द ही इसका पूरा एक खाका तैयार किया जाएगा। परिवहन विभाग इसको लेकर पूरी स्टडी कर चुका है, पूरे मॉडल की स्टडी कर चुका है और इसका खाका तैयार कर जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा और या तो लोकसभा चुनाव के बाद क्योंकि इसको लागू किया जा सके, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन इस मॉडल के जरिए जो अवैध वसूली की बात बार बार चेक पोस्ट पर आती है, जो चेकिंग नहीं हो पा रही है या फिर कई बार हम देखा है कि वहां पर एक विवाद की स्थिति भी बन जाती है, कई बार लूट भी हो जाती है, अवैध वसूली की बात सामने आती है, इन सब चीजों पर पूरी तरह कंट्रोल लाने के लिए मध्यप्रदेश परिवहन विभाग इसका पूरा खाका तैयार कर रहा है। साथ ही साथ जो चेकिंग करेंगे उनको बॉडी पर वार्मर कैमरा भी लगाना पड़ेगा, जिससे कि पूरी जो गतिविधियां हैं वो रिकॉर्ड हो सके और जो शिकायतें आती हैं उन शिकायतों पर लगाम लग सके। जितना भी टैक्स जमा होता है, जितनी भी जो है टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, इन सब चीजों में काफी ज्यादा धांधली की बात भी पहले सामने आई है। इस पर रोक लगाने के लिए इन सब चीजों पर जो है डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, सारा पेपरलेस वर्क हो जाएगा, पूरी तरीके से सब कुछ एक वेबसाइट पर आ जाएगा, पूरा एक सर्वर पर आ जाएगा, जहां से आसानी से टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, डेटाबेस कितना तैयार हुआ है, चाहे गाड़ियों की जानकारी को लेकर हो, कितने ट्रक्स कौन से जिले में है, किधर वो जा रहे हैं, चाहे प्रदेश के बाहर जा रहे हो या फिर प्रदेश में आ रहे हो, इन सब चीजों को लेकर पूरी एक जानकारी एक क्लिक पर आ जाएगी और इसीलिए इसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए परिवहन विभाग की अभी मुख्य जो हम कह सकते हैं कि मुख्य उनकी जो आगे की रणनीति है वो ये है कि इन सब चीजों पर खासतौर से रोक लगाई जाए, जो कि बार बार ऐसे विवाद की स्थितियां सामने आती है और अवैध वसूली को लेकर खासतौर से जो है लगाम कसने की तैयारी यहाँ पर विभाग ने कर ली है, जो कि अब पूरा डिजिटलाइज वे में होगा। जी जी, अमृतांशी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।